इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाज़रीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करते हैं कोरोना पैंडेमिक, दिगर कैलामिटीज और मुसलमान इस उन्वान पर। जिस तरह से बेंगलोर साउथ के एमपी तेजस्वी सूर्य ने बीबीएमपी कोरोना वार रूम मामले को स्कैम बताकर कम्युनलाइज करने की कोशिश की, और जिस तरह से मीडिया और संघीय सोच के लोगों ने तबलीग जमात को कोरोना के नाम पर बदनाम करने की कोशिश की, और जिस तरह मुसलमानों के डॉक्टर्ड वीडियो बनाकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, ये सब देखकर दिल आहत होता है कि क्यों इस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश होती है, क्यों मुसलमान के साथ कुछ लोगों द्वारा सौतेला सलूक किया जाता है, क्यों इतनी नफरत, क्यों इतनी पार्शियलिटी। सदियों से मुसलमान देश के लिए कुर्बानियां देता रहा है, जब कभी देश को ज़रूरत रहती है मुसलमान पेश पेश रहता है, चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, या देश किसी क्राइसिस में हो, या देश किसी नेचुरल कैलामिटीज़ या कुदरती आफात में फंसा हुआ होता है, मुसलमान हर हालत में बढ़ चढ़ कर आगे रहता है। हमने देखा कि पिछले साल लॉकडाउन के वक्त मुसलमान मजहब और धर्म का फर्क किए बगैर खाने पीने की चीज़ें ज़रूरतमंद तक पहुँचाई, प्रवासी मजदूरों की हर तरह से मदद की। कोई गांव या शहर ऐसा नहीं था जहां मुसलमानों ने प्रवासी मजदूर या ज़रूरतमंदों की मदद न की हो। कोई शहर या कस्बा ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमानों ने तदफीन के साथ साथ दूसरे मजहब के लोगों का अंतिम संस्कार न किया हो। इस तरह की हज़ारों मिसालें आपको मिलेंगी, कुछ एक तो सोशल मीडिया में भी आप लोगों ने देखी होगी। आज भी मुसलमान तदफीन, अंतिम संस्कार, ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाना और कोविड सेंटर्स बनाकर इलाज के काम वगैरह वगैरह कर रहा है। कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमाती इस्लामी द्वारा बनाए गए नागपुर की एक बहुत बड़े कोविड सेंटर का दौरा किया और सराहना की। बात सिर्फ कोरोना काल की ही नहीं, बल्कि हर आपदा में मुसलमान आगे रहता है, चाहे कहीं फ्लड या बाढ़ आई हो, या कहीं भूकंप आया हो, या कहीं कोई और नेचुरल कैलेमिटी से लोग परेशानी झेल रहे हों। जब गुजरात भूकंप से पीड़ित था, तब देश के हर कोने से मुसलमान गुजरात पहुंचकर राहत काम में जुटे हुए थे। जब केरला बाढ़ से जूझ रहा था, तब देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ बेलगाम शहर से भी कुछ लोग इमदाद लेकर पहुंच गए थे। खैर, खिदमत खल्क और क्राइसिस मैनेजमेंट का मादा मुसलमानों में कूट कूट कर भरा हुआ है। क्राइसिस मैनेजमेंट में मुसलमान फुल एक्सपर्ट हैं। लखनऊ का एक वाकया मैं आपको याद दिला दूं कि किस तरह से मुसलमानों ने सैकड़ों झुग्गी झोपड़े में आग लग कर ध्वस्त होने के बाद बहुत ही कम वक्त में लोगों को खाना पहुंचाने और टेंट बनाकर रहने का इंतज़ाम किया। मुसलमानों के पास सिर्फ मगरिब और इशा का वक्त था। इन दो नमाजों में ऐलान और मशवरे के ज़रिए कुछ ही घंटों में हज़ारों लोगों के लिए फूड और टेंट्स का इंतज़ाम किया। ये काम देखकर खुद हुकूमत ने मौलाना सज्जाद नुमानी साहब और उनकी टीम को नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम को ट्रेनिंग देने के लिए पेशकश की, ताकि हुकूमत सीख सके कि कम अरसे में किस तरह से राहत का काम किया जा सके। खिदमत खल्क और क्राइसिस मैनेजमेंट में काम मुसलमानों के लिए कुदरती देन है, जो मुसलमानों के असलाफ की जिंदगियों में दिखाई देती है। कुरान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखकर पता चलता है कि कैसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के ख्वाब की ताबीर के तहत 7 साल तक हुई बंपर फसल का ज़खीरा किया अगले 7 साल के इस्तेमाल के लिए। वैसे आज भी अनाज का ज़खीरा करना कोई
आसान काम नहीं है। हम देख रहे हैं कि कितना अनाज सड़ जाता है। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ख़ीरा भी किया और अगले 7 साल पूरे इजिप्ट, जो आज के इजिप्ट से 3 गुना बड़ा था, और अतराफ की मुमालिक की भी ज़रूरत को पूरी किया। एक फाइनेंस मिनिस्टर और एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैसे होना चाहिए, ये हमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। खुलफाए राशिदीन से लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और दिगर असलाफ की ज़िंदगी हमारे ये खैर के कामों में मशाल राह है। बात मैं मुसलमानों की कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि दिगर मज़हब के लोग कुछ खैर के काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने अलग अलग कौम के लोगों में अलग अलग सलाहियतें रखी हैं। जैसे यहूदियों में मन्न सलवा के खाने की बरकत की वजह से ज़हानत दी है, जिसकी वजह से ये कौम नई नई ईजादात और साइंटिफिक रिसर्च में माहिर हैं। सिख मज़हब के मानने वालों में भी खिदमत खल्क में महारत, और इसी तरह से अल्लाह ने अलग अलग अकवाम में अलग अलग सलाहियतें दे रखी हैं और अलग अलग कला अलग अलग काम उनसे ले रहा है। मज़हब की बुनियाद पर हम किसी को हकीर समझना या किसी पर जुल्म करना या ताने कसना, ये किसी सच्चे मज़हब के मानने वालों को जेब नहीं देता और ये किसी मज़हब की सीख भी नहीं है। इसलिए चाहिए कि नफ़रत को छोड़कर सिर्फ प्यार की बात करें और इंसानियत का परचम लहराएं। बस आज के लिए इतना ही। दीगर खबरों के लिए देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।